डिप्टी कमिश्नर होशियारपुर कोमल मित्तल आईएएस ने जिले वासियों को संभावित बाढ़ के संबंध में जिले की ताजा स्थिति के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि बाढ़ से संबंधित सूचना जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर 01882220412 पर दी जा सकती है। इसके अलावा तहसील होशियारपुर का कंट्रोल रूम नंबर 01882244175, तहसील गढ़शंकर का नंबर 01884282026, तहसील दसुका का नंबर 01883506268 और तहसील मुकेरिया का कंट्रोल रूम नंबर 01883244310 है। सत श्री अकाल जी, मैं डिप्टी कमिश्नर होशियारपुर। असी सारे ही जानते पिछले 3 दिनों तो बारिश का मौसम बनया हुआ है, तो शनिवार नू ते इतवार सवेरे काफ़ी बारिश हुई है, पर होशियारपुर जिले दे विच सारी स्टेट सारा स्टेटस अंडर कंट्रोल है, किते भी किसी नू भी पैनिक करन दी लोड नहीं है। पर बतौर डिप्टी कमिश्नर मैं लोगों नू कुछ अपीलां करना चाहती हाँ। सब तो पहला तो असी जिन्हें भी लो लाइंग एरिया हैं, भावें वह चो हो गई, खड्डा हो गया, उन्हों तो दूर रहिए। हो सकता है आने वाले टाइम दे विच साडे डैम दे विचों कोई पानी छड्डिया जावे, तो जेकर भी कोई भी चो दे आस पास रहिंदा है, जो उत्थे घूमदा है, उत्थे खेडदा है, वह असी खाली रखिए। नहरां तो भी असी दूरी बनाए रखन। इस दे नाल ही नाल मेरी अपील है लोगों नूं कि रोपड़ जिले दे विच अते हिमाचल दे विच सड़कां दा बहुत ज़्यादा नुकसान होया है, क्योंकि उत्थे पानी बहुत ज़्यादा भर गया है। असी अवॉइड करिए जेकर अपना ट्रैवल इन्हां एरिया दे विच अवॉइड कर सकते हैं, तो नहीं तो उत्थे ट्रैफिक सानूं डाइवर्ट करना पएगा। पर क्योंकि पर असी बारिश के मौसम के सारी जिन्हें भी प्रिकॉशनस हैं वो लैके रखन। साडा गढ़शंकर एरिया थोड़ा अफेक्टेड है, पर उत्थे साडी सारी टीमां लगिया हुई ने, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, समूह, ड्रेनेज महकमा, रेवेन्यू महकमा, BDPO महकमा, सारी टीमां उत्थे मौजूद ने, ते जिस तरह के भी रिलीफ वर्क्स की लोड होएगी वो प्रोवाइड की जाएगी। असी नाल दी नाल आर्मी के टच के भी हैं, NDRF के टच में भी हैं, जेकर लोड पैंदी है उन्हां दी मदद भी लई जाएगी। पर फिलहाल सिचुएशन बिल्कुल अंडर कंट्रोल है, किसी नूं पैनिक करन दी लोड नहीं है। असी सारे लो लाइंग एरियाज तो अपनी दूरी बना के रखें।